पॉली बैग की बात करेंगे 75 पैसे से स्टार्ट है। 75 पैसे 75 पैसे बिल्कुल ठीक है, फैक्ट्री रेट है बिकॉज हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग ये पैकिंग मटेरियल कहां से लाते होंगे? क्या इन्हें सीधा फ्लिपकार्ट से खरीदना पड़ता होगा? आंसर इज नो। हमारे पास आपको सभी ब्रांड्स के पैकिंग मटेरियल मिल जाएंगे, टेप मिल जाएगी जी। अपेक्स की टेप है 65 मीटर से 1 मीटर भी कम नहीं है, रोल डायरेक्ट थर्मल रोल 400 लेवल मिलेगा पूरे के पूरे। मेरा माल इंडिया में सब जगह जाता है, चाहे आप बाहर इसको पानी में रख दो चाहे इसके अंदर पानी भर दो, ठीक है। पेपर बैग एक कहने के लिए है, एक्चुअल में ये पन्नी से भी ज्यादा वाटर प्रूफ है। तो बारिश आ गया भीग गया तो खराब नहीं होगा, ठीक है। तो अंदर से लेमिनेटेड होता है, एक नंबर की क्वालिटी है। आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ही सेफ रहेगा। आप दिल्ली से ऑर्डर करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं सेम डे आपको डिलीवरी होगी, सेम डे डिलीवरी होगी। मैं आपको घंटे बताया था, 3 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। दिल्ली के बाहर भी आप लोगे सर, जैसी आपकी पेमेंट होती है सेम डे बिल टिकट के आपके पास जाती है, ठीक है। तो तमिलनाडु तक हमने 3 दिन के अंदर माल पहुंचाया। दोस्तों स्वागत है आपका आपके मनपसंद चैनल पे। आज मैं आपको ले गया पैकिंग मेटल की फैक्ट्री में, देख सकते हैं कितनी बड़ी फैक्ट्री है। आपको एक से बेहतरीन प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, वीडियो में मिलेगा काफी अच्छी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। आइए मैं मिलाता हूँ ऑनर से, पूछते हैं कि प्रोडक्ट क्या है। हाँ सर नमस्कार। वीर भाई नमस्कार। अगर आपका कोई भी व्यूवर घर बैठा है, खाली है, चाहे वो हाउसवाइफ है या स्टूडेंट है, कुछ काम कर रहा है और घर से ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, चाहे फ्लिपकार्ट, चाहे अमेजोन, चाहे मिंत्रा, चाहे मार्केट प्लेस, चाहे सोशल मीडिया, एक चीज की तो रिक्वायरमेंट होगी, वो है पैकिंग मटेरियल। बिल्कुल एक सोल्यूशन दे रहा हूं, जो नीचे दिया गया नंबर है वो जी। आपको सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पे। अगर आप पॉली बैग की बात करेंगे 75 पैसे से स्टार्ट है। 75 पैसे बिल्कुल ठीक है, फैक्ट्री रेट है बिकॉज हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो आपको रिटेलर के पास नहीं जाना, अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं जी पैकिंग मटेरियल का, होलसेलर बनना चाहते हैं, बिल्कुल सर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जी। तो चाहे आप सोशल मीडिया पे बेचना चाहते हैं, चाहे आप अपनी वेबसाइट पे बेचना चाहते हैं, चाहे आप मार्केट प्लेस पे फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन, स्नैपडील, शॉपक्लू, किसी पे भी बेचना चाहते हैं, आपको एक चीज तो जरूर चाहिए, वो है पैकिंग मटेरियल। आपने कभी ऑनलाइन कुछ परचेज किया होगा, कुछ इस तरीके से वो आता है। अमेजोन से परचेज करोगे उसकी ब्रांडिंग के साथ आएगा, फ्लिपकार्ट से परचेज करोगे उसकी ब्रांडेड के साथ आएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये लोग ये पैकिंग मटेरियल कहां से लाते होंगे? क्या इन्हें सीधा फ्लिपकार्ट से खरीदना पड़ता होगा? आंसर इज नो। हमारे पास आपको सभी ब्रांड्स के पैकिंग मटेरियल मिल जाएंगे। हम डील करते हैं पैकिंग मटेरियल में, स्टार्ट है पॉली बैग मिल जाएगा, पेपर बैग मिल जाएगा, टेप मिल जाएगी जी। अपेक्स की टेप है 65 मीटर से 1 मीटर भी कम नहीं है, ठीक है। और रेट मार्केट में सबसे सस्ते हैं 30 रुपए से शुरू है, 30 रुपए से 30 रुपए से शुरू है। साथ में मिलेगा डीटी रोल, डायरेक्ट थर्मल रोल, 400 लेवल मिलेगा पूरे के पूरे और बिल्कुल फ्रेश की क्वालिटी है। तो अगर आप ऑनलाइन सेलर है, बनना चाहते हैं या सोच रहे हैं जी, ये वीडियो पूरी देख लो, आपका पैकिंग मटेरियल से रिलेटेड जितना भी दिमाग में डाउट है सारा खत्म हो जाएगा। नीचे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को सेव कर लेना ताकि ऑनलाइन पैकिंग मटेरियल, ऑनलाइन सेल से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है, कौन सी कंपनी नई आई है मार्केट प्लेस में, किसने कमीशन कम करी है, किसने कमीशन ज्यादा करी है, कौन सी सेल आने वाली है, या फिर पैकिंग मटेरियल के रेट में अप या डाउन हुए है कि नहीं है, जितनी भी चीजें है आपको स्टेटस पे मिल जाएगी। तो आपने करना क्या है, नीचे जो नंबर दिया है उसको सेव करो, पैकिंग मटेरियल चाहिए ऑर्डर डालो, नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हाई करना है, आप वहां से सेव करोगे, मैं यहां से सेव करूंगा, स्टेटस पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पूरी वीडियो जरूर देखना। स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 75 पैसे सर, स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 75 पैसे जी, ठीक है। अगर 10 मिनट की ये वीडियो कोई भी आदमी पूरी देख लेगा, उसका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अनआंसर्ड रहेगा, ठीक है। बिकॉज मैं इस लाइन में 7 साल से हूं जी, और मुझे सारे के सारे डाउट्स पता है कि एक न्यू ई कॉमर्स सेलर को या कोई भी बंदा जो पैकिंग मटेरियल परचेज करता है जी, उसके दिमाग में क्या क्या डाउट आते हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ आराम से बंदा सुन लेगा तो उसके 90% क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करता हूं कि मेरे पास आपको प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा, ठीक है सर, स्टार्टिंग करते हैं। देखिए सर, आप चाहे अपने प्लेटफॉर्म पे बेचते हो, आपकी अपनी वेबसाइट हो जी, चाहे आप सोशल मीडिया पे बेचते हो, अमेज़न से, इंस्टाग्राम से, किसी पे भी बेचते हो, या आप बेचते हो किसी भी मार्केट प्लेस पे जी, चाहे आप मिंत्रा बेचो, फ्लिपकार्ट बेचो, अमेज़न बेचो, किसी पे भी बेचोगे, आपको एक चीज पक्का चाहिए, पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल तो पैकिंग मटेरियल के अंदर क्या क्या आता है सर, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ आइए जी।
सबसे पहले आपके पास आते हैं कोरियर बैग्स, ठीक है। कोरियर बैग्स के अंदर अगर आप इंडिया में माल बेचते हैं, महाराष्ट्र के अलावा जी सब जगह आपका जो प्रोडक्ट है वो जाता है कोरियर बैग्स में। बिल्कुल, ये प्लेन पेपर बैग है, ये प्लेन कोरियर बैग है, ब्रांडेड कोरियर बैग्स भी होते हैं। अच्छा, ब्रांडेड सारे जी, ठीक है, सारे के सारे आपको सारे साइजेस में मिल जाएंगे जी। छोटा सा छोटा, चाहे आप ज्वेलरी बेचते हैं जिसके अंदर सबसे छोटा साइज लगता है जी, चाहे आप ब्लैंकेट बेचते हैं, कंबल बेचते हैं, सब कुछ आपको इसके पैकिंग मटेरियल मिल जाएंगे सर। सारे पैकिंग मटेरियल मिल जाएंगे, थोड़ी जैसे ऑनलाइन का बिजनेस करते हैं उनको चाहिए होंगे पैकिंग मटेरियल, तो चाहिए होते हैं सर। सारा मिलेगा जी, सारा मिलेगा, चाहे ब्रांडेड ले लीजिए, चाहे नॉन ब्रांडेड ले लीजिए, चाहे सबसे छोटा ले लीजिए, चाहे सबसे बड़ा ले लीजिए, सारा मिलेगा। ये तो है आपका पॉली बैग, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यार अगर आपका कोई ऑर्डर महाराष्ट्र से आ जाता है जी, महाराष्ट्र में तो पॉली बैन है, तो वहां आप क्या करेंगे सर? उसका सोल्यूशन भी आपको हमारी शॉप पे मिलेगा, हमारे गोडाउन पे मिलेगा जी। हमारे पास पेपर बैग आपको सारे मिल जाएंगे, पेपर बैग भी मिलेंगे, पॉली बैग भी सर, पेपर भी मिलेगा, पॉली भी मिलेगा, प्लेन भी मिलेगा, ब्रांडेड भी मिलेगा, साथ में पेपर बैग आपको मिलेगा लेमिनेटेड, ठीक है। चाहे आप बाहर इसको पानी में रख दो, चाहे इसके अंदर पानी भर दो, ठीक है। पेपर बैग ये कहने के लिए है, एक्चुअल में ये पन्नी से भी ज्यादा वाटरप्रूफ है, तो बारिश आ गए भीग गए तो खराब नहीं होगा, ठीक है। तो अंदर से लेमिनेटेड होता है ये, एक नंबर की क्वालिटी है, आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल ही सेफ रहेगा जी। तो मैंने आपको अभी अपने दो प्रोडक्ट बताए, ठीक है, एक दिखाई मैंने आपको पॉली बैग कोरियर बैग जिसे बोलते हैं जी, एक दिखाया मैंने आपको पेपर बैग, ठीक है। अब मैं तीसरे प्रोडक्ट पे आता हूँ जी। तीसरा प्रोडक्ट है टेप्स, टेप टेप के अंदर भी जरूरी होती है सर जी। अगर कोई भी बॉक्सेस यूज करता है जी, या पेपर बैग यूज करता है, उसे वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देना चाहता जी, है, तो वो टेप यूज करता है, ठीक है। टेप हमारे पास प्लेन भी मिलेगी, ब्राउन भी मिलेगी, ब्रांडेड भी मिलेगी, ठीक है। सारी टेप्स मिल जाएगी हमें, जो भी आप लेना चाहते हैं, 2 इंच में, 3 इंच में, सारी की सारी अवेलेबल होती है सर। लोग जैसे खरीदते हैं सदर मार्केट से, होलसेल मार्केट से, उनसे सस्ता आप कैसे दे पाएंगे सर जी? उनके साथ कंपैरिजन करूंगा अभी जी, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि जो वहां से बेटर आपको यहाँ डील मिलेगा, क्योंकि आपके डायरेक्ट फैक्ट्री से मिलने वाला है। फिक्र मत करें, आप लेके जाते हैं लोग, बिल्कुल एक एक चीज डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको इन तीन के साथ एक चौथा प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ जो हम बेचते हैं, वो है डायरेक्ट थर्मल रोल, ठीक है, डीटी रोल कहते हैं इसे। अगर आप नॉन पीओडी पैकेट यूज करते हैं तो एड्रेस डालने के लिए, ठीक है, आप यूज करते हैं डीटी रोल, डायरेक्ट थर्मल रोल जी। इसकी इतनी खराब क्वालिटी मार्केट में है, या तो इसका पेपर खराब हो जाता है, इसके प्रिंट नहीं आते हैं, या ये प्रिंटर खराब कर देता लोगों का जी। मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरे एक रोल के अंदर पूरे 400 पीस निकलेंगे जी, और एक भी रोल के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना प्रिंटिंग की आएगी जी, और ना आपके प्रिंटर को आएगी, ठीक है। तो ये भी हमारा फ्रेश की क्वालिटी है, मार्केट में स्टॉक लोड का माल बिक रहा है जी, जो आपके प्रिंटर को भी खराब करेगा, आपकी प्रिंटिंग भी खराब होगी जी। बिल्कुल फ्रेश का माल दूंगा आपको, एक रोल में पूरे 400 पीस निकलेंगे, ठीक है। तो ये तो चार प्रोडक्ट है जी जो हम सेल करते हैं, ठीक है, मार्केट में ऑल ओवर इंडिया में। बिल्कुल, अब ये क्वेश्चन आता है जी, ऑल ओवर इंडिया में आप कैसे बेच देंगे? हाँ जी सर, मेरी अपनी जो वेयर हाउस है, मेरा अपना फैक्ट्री है, वेयर हाउस कह लीजिए, दिल्ली में, ठीक है। क्वेश्चन आता है जी, माल कहाँ कहाँ जाता है? हाँ जी सर, अगर आप ऊपर लुधियाना से ऑर्डर करोगे वहां भी जाएगा, नीचे कर्नाटका से ऑर्डर करोगे वहां भी जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कैसे जाएगा जी? सर अगर आप दिल्ली से ऑर्डर करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं सेम डे आपको डिलीवरी होगी, सेम डे डिलीवरी होगी। मैं आपको घंटे बताया था, 3 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाएगी जी, दिल्ली एनसीआर में कहीं भी। मिनिमम ऑर्डर मैं आपको 200 रुपए तक का भी दे दूंगा, 200 रुपए का भी। सर क्वेश्चन ये आता है कि आपके ऑर्डर का वैल्यू कितनी है जी, उसके ऊपर डिपेंड करता है डिलीवरी चार्ज, ठीक है। अगर आप बड़ा ऑर्डर मंगाते हैं तो डिलीवरी चार्ज बिल्कुल फ्री है, ठीक है। मगर अगर आप नए सेलर है, आप कहते हैं मेरे पास अभी तो नया नया है, मैं ज्यादा ऑर्डर नहीं मंगा सकता जी। सर आप 200 पीस भी मंगाएंगे, मैं 200 पीस भी दूंगा, ठीक है। डिलीवरी चार्ज सिर्फ आपके होगा जी। अब क्वेश्चन आता है जी, दिल्ली के बाहर अगर आप माल लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं? सर मैंने नंबर दिया हुआ है आपकी वीडियो के अंदर, चल रहा होगा वो जी। आपने उसमें सिर्फ व्हाट्सएप पे हाई लिखना है, आप हाई लिखेंगे, मैं आपको अपने प्राइजेस के साथ अपनी जो भी कैटलॉग मिलेगा जी, आप वहां पे ऑर्डर देंगे, ठीक है। बिल जाएगा, पेमेंट वगैरह होने के बाद हम ट्रांसपोर्ट में लगा देते हैं माल, अगर आपकी क्वांटिटी है ज्यादा जी, सेम डे ट्रांसपोर्ट में लगता है और आपका जो प्रोडक्ट है आपको इजीली 2 या 3 दिन में मिल जाता है, ठीक है। अगर आपकी क्वांटिटी कम है, आप कहते हो यार मैं दिल्ली के बाहर हूं मगर मेरी क्वांटिटी कम है, मैं शुरू कर रहा हूं, मुझे 200-300-400 पीस चाहिए जी। सर मैं डीटीडीसी कोरियर यूज करते हैं, हम कोरियर चार्ज आपके हो गए अगर आपका जो ऑर्डर आता है, मगर सेम डे हम यहां से डिस्पैच करा देते हैं। एक चीज और, अब क्वेश्चन आता है जी क्या क्या बेचते हो, इसका आंसर मैंने दे दिया जी। कैसे आपको मिलेगा, इसका आंसर मैंने दे दिया। डिलीवरी कैसे होगी, इसका आंसर दे दिया। क्वेश्चन आता है जी प्राइस बताओ जी। सर मैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है
50% लोग आज भी किलो वाला माल खरीद रहे हैं जी। वो मार्केट में जाते हैं, वो कहते हैं भैया एक किलो पन्नी दे दो, दो किलो पन्नी दे दो जी। सर कबाड़ी नहीं हो आप जी, आप बिजनेसमैन हो, आपको अपनी पैकिंग की कॉस्टिंग पता होनी चाहिए। अगर आप किलो में माल लेके आ रहे हैं तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल ठीक है सर, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ये देखो किलो का माल मैं भी बेचता हूँ, ये इस तरीके से रखा हुआ हमने जी। और मैं आपको पीस रेट का माल दिखाता हूँ, इधर देखिए सर जी। ये पीस रेट का माल रखा हुआ जी। सर दोनों माल आपको मिलेंगे, मगर बिकॉज आप स्पेशली मेरी वीडियो बनाने आए हो जी, मैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करूंगा ठीक है। आप मेरे से किलो में लेंगे, मैं किलो में भी दूंगा ठीक है। मैं पीस रेट का माल भी दूंगा जी। पीस रेट का माल मेरे पास सारा फ्रेश की क्वालिटी में आता है ठीक है, बिल्कुल एक भी पीस उसमें डिफेक्टिव नहीं निकलेगा जी ठीक है। किलो में भी मैं आपको दूंगा, मगर किलो के अंदर सारी गारंटी नहीं होती मेरे पास नहीं जी। आप सदर बाजार जाए, आप किसी भी होलसेल मार्केट में जाए, किलो का जो माल आप दोगे उसके अंदर स्क्रैप भी निकलेगा, उसके अंदर आपको गमिंग का भी इशू आएगा, कोई फटा हुआ निकलेगा वगैरह वगैरह। रेट मेरे पास दोनों मिल जाएगा आपको, किलो का भी मिल जाएगा, पीस रेट भी मिल जाएगा। किलो का सबका एक रेट होता है जी। पीस रेट साइज के हिसाब से होता है ठीक है। जो छोटा पीस रेट है और जो छोटा साइज है उसका छोटा कम अमाउंट होगा, जिस जो बड़ा साइज है उसका बड़ा अमाउंट होगा। और अगर मैं अब एक एक प्राइस आपको बताऊंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो जो भी जिसको भी चाहिए होगा वो सिर्फ हाई करेगा, मैं पूरा का पूरा कैटलॉग उसको व्हाट्सएप पे लीजिए और क्वालिटी देखिएगा आप सिर्फ ये क्वालिटी देखिएगा, ये पैकिंग है सर, पैकिंग मटेरियल की भी पैकिंग देखिए, आप उसको कहीं भी रख सकते हैं एक रुपए के आसपास, सिर्फ एक रुपए। बिल्कुल सर, क्या बात है, देखिए एक रुपए में मिल जाएगा। जैसे आप ऑनलाइन बेचते हैं कोई प्रोडक्ट तो आपको सिर्फ एक रुपए में मिल जाएगा, आप सोचते होंगे कहां से मिलेगा, सिर्फ एक रुपए में। देखिए जी सर, दिल्ली के अंदर हमारा जितनी भी हमारी होलसेल का काम है जी, तो रिटेलर भी हमसे लेके जाते हैं, अगर आप उनका मार्जिन हटाना चाहते हैं डायरेक्टली आप हमसे ले सकते हैं, मैं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तीसरी चीज ये होती है जो आपने शुरू में पूछा था जी कि सदर बाजार और हमारे अंदर क्या डिफरेंस है। बिल्कुल सर, जो भी आदमी सदर बाजार गया होगा ना, एक तो अपना पूरा दिन लगा के गया होगा जी, पूरा दिन लगा सर, आप बिजनेसमैन हो, आपके टाइम की वैल्यू है, पूरा दिन जाओगे आप सदर बाजार की मार्केट में देखा होगा वो भाव नहीं देते सर। बिल्कुल सर, खड़े रहो, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, साथ में आप ले आए उसमें डिफेक्टिव निकल गया ना कुछ, आप कॉल करोगे सर आपका तो माल डिफेक्टिव है, वो कहेंगे आ जाओ ले जाओ चेंज कर देंगे। हाँ जी ऐसे ही कहते हैं, यानी कि एक दिन आप और खराब करोगे जी ठीक है। दूसरा, वो आपको टाइम या भाव इसलिए नहीं देते, ये मतलब नहीं है कि उनका काम हो जा रहा है, वो ऑर्गेनाइज नहीं है जी, उनके पास टीम नहीं है। मेरे पास आपको पूरी टीम मिलेगी, आप व्हाट्सएप पे जब ऑर्डर डालोगे ना, एक मेरा डेडिकेटेड स्टाफ आपके साथ बात करेगा, एक भी आपकी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो अनसॉल्व हो जी। उसके बाद आपको माल डिलीवर होगा, और अगर उसके बाद भी हमारी वजह से किसी भी साइज में या किसी भी क्वालिटी के अंदर डिफरेंस आता है या कुछ भी गलती निकलती है सर, अगले ऑर्डर से पहले वो रिप्लेस होगा जी। तो सर ये वही कहानी है सरकारी हॉस्पिटल की और प्राइवेट हॉस्पिटल की, सरकारी हॉस्पिटल में कोई नहीं जाता, सदर बाजार वही है सर जी। तीसरी चीज आपने बताई, अच्छा एक चीज मैं ही बताया था, आपने पूछा नहीं जी, ये चीजें तो ऑनलाइन भी मिलती है सर। हाँ जी ऑनलाइन भी मिलती है। ऑनलाइन ले या मुझसे ले, मैं इसका सोल्यूशन आपको बताया जी। ऑनलाइन आप ऑर्डर कर लो सर, कम से कम वेटिंग पीरियड है 7 दिन का जी, एडवांस पेमेंट दोगे आप, अगर माल आया खराब, नो रिटर्न प्रोडक्ट है सर जी, आप रिटर्न नहीं कर सकते उसको, सिर्फ कमेंट करके छोड़ दोगे जी ठीक है। उसके बाद आपका 1-to-1 रिलेशन ही नहीं है, 1-to-1 कॉन्टेक्ट ही नहीं है सेलर से जी, कि आप उसको बोल सको कि भाई अगली बार मत भेजियो, यहां पे आपका मेरे साथ 1-to-1 कॉन्टेक्ट है सर जी। डिस्पैच होने से पहले 10 बार आपसे पूछा जाएगा सर यही मंगाया ना जी, उसके बाद भी गलती हो गई वो भी हम अपने ऊपर लेते हैं, अगर हमारी तरफ से गलती है ठीक है, आपका ऑर्डर फ्री जाएगा जब दोबारा जाएगा। अच्छा 1-to-1 सिचुएशन है, और सबसे अच्छी बात है टाइम, मैंने बताया 7 दिन का है, दिल्ली NCR में अगर आप लोगे माल, मैं आपको 7 घंटे भी नहीं लगने दूंगा उसी दिन, उससे पहले जाएगा जी। दिल्ली के बाहर भी आप लोगे जी सर, जैसे ही आपकी पेमेंट होती है सेम डे बिल टिकट के आपके पास जाती है ठीक है। तो तमिलनाडु तक हमने 3 दिन के अंदर माल पहुंचाया ठीक है, और आप माल मेरी आप गोडाउन यहां देख रहे हो जी, 0%। अगर आपको बिल्कुल भी दिमाग में टेंशन है ना कि यार हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा, तो सर 10-12 हजार रुपए के लिए मैं यहाँ लाखों करोड़ रुपए लगा के नहीं बैठा हूँ जी। तो बेफिक्र रहे आप, बिल्कुल प्रोडक्ट एक नंबर का मिलेगा आपको जी, B2B रिलेशन है, बिल्कुल प्योर रिलेशन बनेगा ठीक है जी। जब तक मैं किसी चीज का रेट ना बताऊ ना आपको, तब तक मजा नहीं आता जी। तो वैसे तो मैंने कैटलॉग आपको देना है, जिसके अंदर आपको मेरे पास जितने भी 50-60 तरीके के या साइज के सामान है आपको सारा दिख जाएगा। एक आधा आइडिया बताया था मैं आपको सर, टेप आपको मिलेगी मेरे पास अपेक्स की जी, आप एक बार गूगल मार लीजिएगा, इससे बढ़िया टेप नहीं है गमिंग में, और पूरी 65 मीटर की होती है। अच्छा, दूसरी जो लोकल आप वंडर की, सुप्रीम की या कोई भी और लेते हो ना, 65 मीटर कह के 55 मीटर 50 मीटर होता है उसमें जी, पूरी 65 मीटर की आएगी 180 रुपए का। देखिए इसका रेट
बढ़ता घटता रहता है। आज इसका रेट है 180 रुपए का डंडा, एक डंडे में 6 टेप होती है। अच्छा, यानी कि एक टेप आपको 30 रुपए के आसपास, 30 रुपए की। बिल्कुल, रिटेल में कितने बिकती है ये? सर ये रिटेल में नाना करते हो 55 से 60 रुपए की मिलेगी। अच्छा, 55 से 60 की बिल्कुल मिलेगी। साथ में ब्रांडेड भी मिल जाएगी हमारे पास। ठीक है, इस टाइम ब्रांडेड का भी रेट डाउन है, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ 180 रुपए के आसपास मिलेगा। इसके अंदर भी अगर 2 इंची की लेते हैं तो इसमें 6 पीस मिलेगी, यानी कि 30 रुपए के आसपास। अगर 3 इंची की जाती है तो एक डंडे में 4 पीस हो जाते हैं, यानी कि 45 रुपए के आसपास हो जाता है। साथ में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ साइजेस का। ठीक है, देखिए सर मेरे पास 20, देखिए जहां खड़ा हूं वही दिखाता हूँ आपको, 20x22 का साइज है। ठीक है, इसका रेट आपको लगभग 5.5 रुपए के आसपास पड़ता है। 5 रुपए अगर किलो के अंदर कोई लेता होगा ना भाई जी, किलो के अंदर सिर्फ आप एक चीज देख लेना कि एक किलो के अंदर कितने साइज पड़ रहे हैं, कितने पीस है, और एक पीस का आपको रेट क्या पड़ रहा है। ठीक है सर, मैं गारंटी दे रहा हूँ 12 रुपए से कम नहीं पड़ रहा होगा। बिल्कुल, मैं पिछले 7 साल से बेच रहा हूँ सर, जो भी माल किलो में ले रहा होगा 20x22 हो गया, 20x24 हो गया, 16x20 हो गया, इनके एक बार पीस रेट निकाल लेना जी। किसी का भी आपका 8-9 रुपए से कम नहीं पड़ रहा होगा। मेरे पास मैक्सिमम रेट ही 7 रुपए। अच्छा, 7x7x7x20 तक मैं सबसे बड़ा साइज बेच देता हूँ सर जी। अगर किलो वाला सामान आप देखेंगे तो एक जो आपने 20x22 है कम से कम 12 रुपए का पड़ रहा होगा। अच्छा, मेरे पास 7 रुपए मैक्सिमम रेट है, उससे नीचे नीचे सब कुछ मिल जाएगा। 20x22 का साइज है कितने का बताया सर आपने? सर 20x22 का आपको मिल जाएगा लगभग 5.5 रुपए का। 5.5 रुपए, 5.5 रुपए। ठीक है जी, अब मैं थोड़ा सा आपको आधे से भी कम रेट में मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर, आप पीस रेट और केजी को कंपेयर ही नहीं कर सकते। अगर आप केजी में ले रहे हैं तो आप पागल हो जाएगा इसका रेट देख के कि यार मैं पता नहीं आज तक कितना कितना पैसा घुसा दिया मैंने। साथ में आपको सर कागज मिल जाएगा, कागज का ये प्लेन है, अगर आप अपनी ब्रांड पे बेच रहे हैं तो इसको कर सकते हैं। ये लगभग 10x13 का साइज है। ठीक है, ये आपको लगभग 2.30 रुपए के आसपास पड़ता है, 2.40 रुपए के आसपास। ठीक है, इसमें आपको ब्रांड मिल जाएगा। ठीक है, और साथ में ये डीटी रोल है, मैंने आपको बताया था इस टाइम इसका रेट चल रहा है सर 210 रुपए प्लस जीएसटी। ठीक है, फ्रेश का है, अगर आप कहीं से 190-195 ले रहे हैं ना, एक बार काउंट करा लीजिएगा जी। मैं 7 साल से बेच रहा हूँ, बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपके 195 वाले में 360-370 से ज्यादा रोल नहीं और लेबल नहीं निकलेंगे। 210 में बिल्कुल फ्रेश की क्वालिटी दूंगा, एक भी लेबल खराब हो गया पूरा का पूरा वापस कर देना, पैसे वापस कर दूंगा पूरे के पूरे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, आपके वीडियो में जो नंबर दिख रहा है मेरा, अगर आप ई कॉमर्स सेलर है, चाहे आप नए हैं, चाहे आप पुराने हैं, चाहे आप स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको नंबर को सेव करें और मुझे हाई करें। ठीक है, होगा क्या आपका हाई करते ही मैं यहां से नंबर सेव कर लूंगा। ठीक है सर, इस लाइन में ई कॉमर्स में चाहे कोई वेबसाइट नहीं आई हो, चाहे किसी की सेल आने वाली हो, चाहे किसी की कमीशन कम हुई हो, चाहे पैकिंग मटेरियल के रेट अप या डाउन हुए हो, मैं डेली बेसिस पे स्टेटस लगाता हूं जी। आप इस लाइन में है, आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बिकॉज आगे जाके इंफॉर्मेशन ही मनी में कन्वर्ट होती है। बिल्कुल, तो ये नंबर एक सोर्स है आपके लिए, आपकी लाइन की इंफॉर्मेशन को गैदर करने का। तो ये नंबर सेव करें, साथ में ऑर्डर है बहुत अच्छी बात है, ऑर्डर दे सकते हैं, अदरवाइज नंबर को सेव करें, बिकॉज अगर आप ऑनलाइन सेलर है तो आज या कल तो आपको हमारी जरूरत होगी ही, साथ में इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, अपना एड्रेस लोकेशन बताया जैसे कोई सर द्वारका में ऑफिस है हमारा जी। लोकेशन जो भी भाई आना चाहता है मुझे व्हाट्सएप पे भेजेगा, ठीक है, मैं भेज दूंगा, साथ में नंबर होगा, आप फोन करिएगा, पूरा गाइडेंस देगा आपको। ठीक है, तो जैसे ऑनलाइन मंगाया जाए तो ऑनलाइन भी भेजेंगे? ऑनलाइन तो सर कोई दिक्कत ही नहीं, देखिए इतना बड़ा मैं गोडाउन लेके बैठा हूँ तो गलत किसी के साथ करने नहीं बैठा। सर हफ्ते में 7 दिन कॉल कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं सर जी, 7 दिन कॉल कर सकते हैं, ऑफिस टाइम पे कॉल कर सकते हैं, ऑफिस टाइम के बाद भी करें। अच्छा एक चीज सर मैं आपको और बताऊं जी, कॉल हो सकता है कि वर्क फ्लो में ना उठे, आप व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप का 100% रिप्लाई मिलेगा सेम डे। ठीक है, और उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। कॉल हो सकता है मुझे खुद ही याद ना रहे कि आपसे क्या बात हुई थी जी, तो अगर व्हाट्सएप पे बात हो कैटलॉग चली जाएगी सर, कैटलॉग साथ साथ जाएगी, साथ में मेरे पास हिस्ट्री रहेगी कि आपसे क्या बात हुई है। बिल्कुल, तो व्हाट्सएप को प्रेफर करें, सेम डे मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके सब क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। थैंक यू सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, ऐसी अच्छी वीडियो देख ली, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।